नमस्कार, मैं हूं सौरभ दास और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत। आइए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड कैबिनेट का फैसला, झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी व 5% आरक्षण, इसके साथ सिगरेट गुटखा के सार्वजनिक सेवन पर लगेगा जुर्माना। कोटी में महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह 15,000 घूस लेते गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री 24 घंटे में हटानी होगी। जेपीएससी ने 9 परीक्षाओं और इंटरव्यू के लिए कैलेंडर जारी किया। लंदन की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने की दी मंजूरी। रांची, जिला प्रशासन के आदेश के बाद थर्ड जेंडर का पीला राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू। गुमला में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान घायल। सीएम हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक, 26 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। राजधानी में 13 मार्च से शुरू होगा नो कार अभियान, जिसमें लोगों से सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाने की अपील। भारत की इंग्लैंड पर दूसरे ही दिन जीत, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड टीम भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर पर ढेर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।